सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं राजू खान बहुत लंबे टाइम के बाद आपके समक्ष आया हूँ। कुछ पर्सनल रीजन था और टाइम भी काफी हो गया, तो चलती रहती है करेंगे फ्रंट प्रेस, इसको मिलिट्री प्रेस भी कहते हैं। फ्रंट प्रेस के चार सेट लेंगे और अप्रोक्सीमेट 15-20 रैप और पूरा रेंज ऑफ मोशन। उसके बाद करेंगे साइड लेटर से, जो यूनिवर्सल एक्सरसाइज आप लोगों को भी जानते हैं, मगर उसमें जो आप मूवमेंट में बताऊंगा, जो पोजिशन आपको बताऊंगा, उस पोजिशन को आपको फॉलो करना है। उसके बाद फोर सेशन है 15-20 रैप। उसके बाद करना है रिवर्स फ्लाइट, जो आप ये ले सकते हो रियर डेड के लिए, इस मसल को हिट करता है। तो इस मसल को डेवलप करने के लिए बॉडी बिल्डिंग में रियर डेड इज मोस्ट कंपल्सरी। तो रिवर्स फ्लाई करेंगे वो भी केबल से, उसके भी फोर सेट करने हैं 15-20 रैप। और लास्ट की एक्सरसाइज हमारी जो रहेगी वो करेंगे फ्रंट रेजेस, जो आपके ये फ्रंट रेज ये छोटा सा ये जो मसल होता है इसको डेवलप करने के लिए। तो आप देख सकते हैं 3D शोल्डर के लिए सबसे टॉप एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, करते हैं शोल्डर की फोर वेरिएशन। शोल्डर की पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे फ्रंट मिलिट्री प्रेस, और वो भी स्मिथ मशीन पर। इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं, हमको अंदर रखना है, ऊपर जाते हुए एक्सहेल, नीचे आते हुए इनहेल। इसके मैंने किए 20 रेप, इसके आपको 4 लेने हैं वेट अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी, और वेट आप इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन रेपिटेशन रखना है 15-20 रेप। अब जो हमारी सेकेंड वेरिएशन होने वाली है वो डंबल 5 लेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया शोल्डर की। अब हम सेकेंड वेरिएशन करेंगे, ये दूसरी एक्सरसाइज होगी, ये यूनिवर्सल एक्सरसाइज है साइड लेटर। बट साइड लेटर की जो मूवमेंट है ना, मोस्टली आप देखना, आप रीच करना, इस चीज को वॉच करना कि लोग बाग की मतलब भी मूवमेंट सबकी अच्छी होती है नो डाउट, लेकिन जितना परफेक्ट मूवमेंट होगा उतना बेटर रिजल्ट आने वाला है। और इस मूवमेंट को आप जरूर देखिए, 15-20 रेप लेने हैं और इसके भी 4 सेट लेने हैं। तो करते हैं साइड लेटर, और आप तो प्रॉपर वे में ये एक्सरसाइज मोस्टली आपके मिडिल जो डेल्ट होता है, जो सबसे बड़ा डेल्ट, जो सबसे बड़ा हेड होता है शोल्डर का, जो ये पार्ट है इसको हिट करता है और इसको डेवलप करता है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड वेरिएशन, जो थर्ड वेरिएशन होने वाली है रियर डेल्ट, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया रियर डेल्ट के लिए वो स्मिथ मशीन पे इसी मशीन का हम रिवर्स पकड़ने वाले हैं। और आप इसकी पोजीशन देखना कैसे पकड़ेंगे, और इसका जो वायर है वो किस लेवल पे होना चाहिए, आपके शोल्डर लेवल पे होना चाहिए, स्टेज लेवल पे होना चाहिए, डाउन लेवल पे होना चाहिए, आप चेक करना है। बेहतर ये है कि आप डेल्ट का पोजीशन इस पोजीशन पे रखें और रियर डेल्ट करेंगे। प्रॉपर वे में मैंने इसके 16 रैप ही लिए हैं, बिकॉज़ जो रियर डेल्ट मसल होता है वो छोटा मसल होता है, इसे प्रॉपर फोकस होना चाहिए। आइसोलेट बना के आपको इसको करना है, आइसोलेट मूवमेंट में इसे करनी है।
रियोजेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर जो पोजीशन है ये कैसी है। इसी तरह हमारे तीन थ्री वेरिएशन कंप्लीट हो गई। अब हमारा फोर्थ वेरिएशन है वो भी बहुत ही फेमस वेरिएशन है जो डंबल से फ्रंट रिब लेना है। तो अब करते हैं शोल्डर की लास्ट एंड फोर्थ वेरिएशन डंबल फ्रंट प्रेस। तो मैंने वेट लिया है वही 7.5 केजी बिकॉज कार्ब लोडिंग अभी कम चल रही है, कार्ब कम चल रहा है, प्रोटीन ज्यादा चल रहा है, कॉम्बिनेशन ठीक है। तो लाइट वेट ही करेंगे, प्रॉपर मसल को हिट करेंगे और इसको हम करेंगे बोथ हैंड। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go cool crocs, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are gone, so I'll put them on display. Oh yeah, I'm ready when you see me. I have a sense of word to see a message for eternity. For everyone internally, I have to be burning in my fucking memory. आप प्रॉपर इसको देखिए। एक्चुअली क्या होता है, हम ट्रेनर हैं, अगर आपके माइंड को आप आपको कमेंट होगी उस हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊंगा। बॉडी सेल्फ को करके आप अपनी बॉडी को अच्छा फिट कर सकते हैं।